आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ अडेनियम प्लांट केयर एंड फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके साथ चार या पांच ऐसे पॉइंट शेयर करूँगी जिन पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके अडेनियम में भी भर भर के फ्लावर्स आएंगे। सेकंड थिंग इसके आपका कोई भी प्लांट जल्दी ख़राब नहीं होगा। हम लोग ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिस वजह से हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है, ख़राब हो भी गया अगर आपका प्लांट तो आप उसको कैसे बचाएंगे, सब कुछ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, दिस इज शगुफ्ता एंड यू आर वाचिंग माय न्यू गार्डन। देखिए फ्रेंड्स, अडेनियम आपका समर ग्रोइंग प्लांट होता है। जब टेम्परेचर आपका 20 डिग्री टू 35 डिग्री के बीच में होता है तो ये इनके लिए बहुत अच्छी कंडीशन होती है फ्लावरिंग और ग्रोथ के लिए। बेसिकली ये समर ग्रोइंग प्लांट होता है जो कि आपका मार्च से लेके नवंबर तक बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता रहता है। टिप नंबर वन आपको ये करना है कि जब भी जो भी फ्लावर्स आपके स्पेंट हो जाएं तो स्पेंट फ्लावर्स को आप ज़रूर कट कर दें। जब फ्लावर स्पेंट होता है तो इस तरह से देखिए उनमें डंडियां रहती हैं जो कि उसी ब्रांच पे लगी रह जाती हैं, तो इनको आप ज़रूर हटाइए क्योंकि अगर आप इनको नहीं हटाते हैं तो ये सूखती हुई जो फ्लावर्स रहते हैं ये अननेसेसरी इंसेक्ट वगैरह को या फिर मिली बग वगैरह को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए इनको ज़रूर आपको हटाना है। जब आप स्पेंट फ्लावर्स हटाते रहते हैं तभी आपके पौधे पे नई नई कलियां बनती रहती हैं। सेकेंड थिंग इज फ्रेंड्स कि ये प्लांट आपका सन लविंग प्लांट है, मतलब आप इसको डायरेक्ट सनलाइट वाली जगह पे शिफ्ट करें। आप ऐसी जगह अपने गार्डन में इन प्लांट को रखें जहां इस पर कम से कम 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट पड़ना चाहिए क्योंकि ये प्लांट आपका जितनी अच्छी आप सनलाइट देंगे इसके ग्रोइंग सीजन में ये उतने अच्छे से फ्लावरिंग भी करेगा और अपने प्लांट की ग्रोथ भी करेगा और बुशी बन के तैयार होगा। अगर आप अपने पौधे में मतलब इसको आप सेमी शेड एरिया या शेड में रखते हैं तो आपका प्लांट थोड़े टाइम तक तो हेल्दी रहेगा, उसमें ब्रांच भी आएगी, लेकिन थोड़े टाइम के बाद आप देखेंगे कि आपका जो पौधा है उनकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा लगी लगी सी हो रही हैं। सेकंड थिंग इसके आपके प्लांट का जो कॉडेक्स है वो कमज़ोर होता जाएगा और धीरे धीरे करके वो वहाँ से फंगस का शिकार हो जाएगा, तो इसलिए ये प्लांट को आपको अच्छी सनलाइट वाली जगह देनी है। लोग गलती क्या करते हैं फ्रेंड्स इस प्लांट में वाटरिंग को लेके, क्योंकि ये प्लांट ऐसा है कि ये आपने अगर इसको गर्मी में भी एक का दिन पानी नहीं दिया तो ये फिर भी इजीली सरवाइव हो जाता है, लेकिन आपने अगर इनको ओवर वाटरिंग कर दिया तो फिर इनके चांसेस 50 to 60% चांसेस होते हैं कि ये ख़राब हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप इनकी मिट्टी बना रहे हैं तो मिट्टी आपको एकदम पोरस बनाना होता है, जो कि सॉइल मीडिया ऐसा यूज़ करना होता है जो कि अगर कभी गलती से आपका पानी ज़्यादा भी हो जाए तो वो प्लांट आपका जो भी वाटर है वो अच्छे से नीचे से जो इनका होल होता है वहाँ से ड्रेन आउट हो जाए। कभी भी पानी ठहरना नहीं चाहिए, इसलिए आप जब भी अडेनियम की मिट्टी बना रहे हैं तो मेक श्योर कि आप उसमें सैंड का यूज़ ज़रूर करें क्योंकि सैंड आपका वाटर को बिल्कुल भी होल्ड नहीं करती है और जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर रहता है उनको वो जल्दी मतलब ख़त्म हो जाता है उसमें से, तो हमेशा इनको सैंडी सॉइल दीजिए बट वेल ड्रेन। इनका जो पॉट में होल होता है उसको प्रॉपरली आप चेक करते रहिए कि समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग वाटरिंग करते रहते और वो जो मिट्टी की परत होती वो जाके उसके होल पे फैल जाती है पूरे तरह से, जिस वजह से उसमें से पानी निकलना बंद हो जाता है। इनकी 10 से 15 दिन में एक बार बहुत हल्के हाथों से आप गुड़ाई कर दीजिए। जो ध्यान रखिए कि इनकी रूट्स वगैरह डैमेज ना होने पाए, आपके जो भी आप जिस चीज़ से भी गुड़ाई कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि इनकी रूट्स डैमेज ना होने पाए। नेक्स्ट पॉइंट इस फ्रेंड्स आती है खाद की बात, तो ये आपका बहुत हैवी फीडर प्लांट होता है लेकिन जब इनका फ्लावरिंग टाइम होता है तो इस टाइम में आप इनको, ये बोन मील है आपको मैं बता रही हूँ, आप 50% के करीब बोन मील लेंगे। लाइक अगर आपने एक मुट्ठी बोन मील लिया है तो आप इसमें एक मुट्ठी के करीब नीम खली को ऐड करेंगे। नीम खली
टोटली बेसिकली आपका नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र होता है। इसमें प्रॉपर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है। सेकेंडली ये कि एक ये इंसेक्टिसाइड के रूप में भी वर्क करता है। मिट्टी वगैरह में समटाइम्स दीमक वगैरह आ जाते हैं तो उनको भी किल करता है। तो ये देखिए, ये है थोड़ा सा साफ का फंगिसाइड, हाफ टी स्पून के करीब ये साफ का फंगिसाइड है। इनको मिला के, इन सबको अच्छे से आपको मिक्स करके, और आपको इसको आपके पूरे पौधे में एटलीस्ट दो दो चम्मच आप ये खाद दे देंगे। बहुत बार लोगों के क्वेश्चन क्या होते हैं कि ना तो उनके पास बोन मील होता है, ना ही नीम खली होता है। तो देखिए, अगर आप बोन मील का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप इसकी जगह रॉक फॉस्फेट का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, अगर ये कुछ भी खाद नहीं है तो आज आपको एक घरेलू खाद बता रही हूँ, अगर आप ये भी देते हैं, जब आपके पौधे में फूल नहीं आ रहा है, आपने ये सारी खाद जो बोन मील वगैरह मैंने बताया ये सब भी दिया, प्लांट में कली बनने का एक जो टाइम होता है वो एटलीस्ट 20 से 25 दिन के बाद इसमें प्रॉपर कलियाँ बनना स्टार्ट होती हैं। तो आपने वो सारी खाद दे दी, बोन मील नीम खली दे दी, उसके 10 से 15 दिन के बाद आपको आपके पौधे में कुछ घरेलू खाद है जो बता रही हूँ ये खाद आप देंगे, तो थोड़े टाइम के बाद आप देखेंगे कि प्लांट में नई नई कलियाँ बनना स्टार्ट होने लगती हैं। तो ये खाद क्या है फ्रेंड्स, वो आपके साथ बता रही हूँ। ये खाद है आपकी होममेड खाद है। इसके लिए देखिए, आप ये 1 लीटर तक सादा पानी ले लेंगे। आप इस टाइम इंसेक्ट की बात करूं तो मिलीबग बहुत ज़्यादा एक्टिव है, आप उससे ज़रूर अपने पौधे को बचाइए। अपने प्लांट की हर एक ब्रांच को चेक करिए, ब्रांच की टिप पे ही आपको मिलीबग कलियां जहां बनती हैं वहां पे लगा हुआ दिखेगा, दिखता है तो ज़रूर हटाइए। घरेलू खाद के तौर पे देखिए मैं क्या देने वाली हूँ, ये है बनाना पील्स जो कि पोटेशियम का रिच सोर्स होता है। जो मैंने खाद आपको अभी दिखाया नीम खली बोन मील, ये खाद मैंने 15 दिन बाद फीड किया था, उसके 15 दिन के बाद फिर भी कली नहीं बन रही है तो ये खाद मैं डालने वाली हूँ। वो तीनों खाद, ये सब कुछ आप एक साथ ना दे दीजिएगा, एटलीस्ट 10 से 15 दिन का गैप ज़रूर रखिएगा। 1 लीटर ये सादे पानी में मैंने 200 ml के करीब ले लिया है बनाना पील वाटर। इससे क्या होगा कि प्लांट को पोटेशियम मिलेगा और प्लांट में नई नई कलियां बनना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद फ्रेंड्स, इसमें फंगी साइड आप ज़रूर ऐड करिए, क्योंकि अक्सर बनाना पील आप यूज़ करते हैं तो जो ये बहुत डेलिकेट सा प्लांट होता है तो इसमें फंगस वगैरह भी लगने के चांसेस होते हैं। तो ये 1 चुटकी के करीब फंगीसाइड है। अगर आपके पास ये फंगीसाइड नहीं है तो इसके दूसरे तौर पे आप हल्दी का यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड होता है, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल होती है। आपके पौधे में किसी किस्म के कोई इंसेक्ट वगैरह नहीं लगने देती, तो फंगीसाइड नहीं है तो आप ये 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी यूज़ कर सकते हैं। हल्दी तभी ज़्यादा अच्छा वर्क करती है जब आपके पौधे पे किसी इंसेक्ट वगैरह का अटैक ना हुआ हो, तब ये अच्छा वर्क करती है। ये दोनों खाद आप मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद इस तरह से आप अपने पौधे में करीब 200 ml के करीब, आपका पौधा जितना बड़ा है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको ये खाद देना है। मेरे पास और भी पौधे हैं, उन सभी में भी मैं ये खाद डाल दूँगी तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब मैं बता रही हूँ कि इसमें समटाइम्स प्रॉब्लम क्या होती है, इनके कॉर्डेक्स में रूट रॉट होने लगता है। देखिए, ये वाला मेरा प्लांट है, इसमें कुछ फंगस लग गए, इनके जो भी कॉर्डेक्स है वो सड़ने लगा है, तो उसको अच्छे से वो करके मैंने मजबूरन इनको रिपोर्ट किया है। अगर आपका गमला वगैरह टूट जा रहा है तो आप इस टाइम बिल्कुल भी प्लांट को रिपोर्ट ना करिए। ये सारी देख रहे हैं, इसकी जो एक लेयर थी ऊपर, वो लेयर के नीचे ये देख रहे हैं आप किस तरह से ये ख़राब हो रहा है, वो सारी लेयर मैंने इनकी हटा दी है। हटाने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा फंगीसाइड लेके इसके ऊपर लगा रही हूँ, और अब मैंने प्लांट को अच्छी सनलाइट वाली जगह पे ही शिफ्ट कर दिया है। तो इससे क्या होगा कि प्लांट में बहुत हद तक चांसेस है कि प्लांट्स ईजली सर्वाइव कर जाएगा। इसको शेड में रखना और पानी डालना बेकार है, इसको फुल डे की अच्छी सनलाइट वाली जगह रख रही हूँ। समटाइम्स अंडर वाटरिंग के वजह से भी प्लांट का कॉर्डेक्स जो है वो इस तरह से सिकुड़ने लगता है, लेकिन मेरे प्लांट में ओवर वाटरिंग हो गई है, बारिश में रखा रह गया था जिस वजह से इसमें ये दिक्कत आ गई है। तो बस इसलिए फ्रेंड्स, कोई नहीं, इसमें अच्छे से फंगीसाइड लगा के, अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं तो यहाँ
पे आप हल्दी का यूज़ कर सकते हैं। दो दिन से मैंने इसमें वाटरिंग नहीं की, तो बहुत थोड़ा पानी डालूंगी, लेकिन वाटरिंग ज़रूरी होती है, आप पानी ज़रूर डालिए। तो इस तरह से पानी डालने के बाद प्लांट को सनलाइट में रख दे रही हूँ, होप कि ये प्लांट अच्छा हो जाएगा जल्दी बस। और आप दिन में गर्म बहुत ज़्यादा है तो एक आध बार मिस्टिंग ज़रूर करिए। मिस्टिंग से क्या होता है कि प्लांट की पत्तियों में एक मॉइस्चर बना रहता है, और जो भी फ्लावर्स खिलते हैं तो वो फ्रेश रहते हैं थोड़ा लंबे टाइम। हालांकि इतनी गर्मी हो रही है फ्रेंड्स कि अगर आप मिस्टिंग करते भी हैं तो 10 से 15 मिनट लगता है, ये पूरा पानी सूख जाता है। और आपको ये मिस्टिंग शाम होने के बाद, मतलब 5 बजे के बाद आपको आपके पौधे में नहीं करना है, क्योंकि फिर फंगस लग सकता है। आप इसको या तो मॉर्निंग में कर दीजिए या फिर 4 बजे के आसपास आप कर दीजिए, जब हल्की फुल्की धूप रहे, तो 10 से 15 मिनट में ये पानी सूख जाता है। तो बस इस तरह से आप भी एडेनियम की केयर करेंगे तो आपको इनसे बहुत हैवी क्वांटिटी में फ्लावर्स भी मिलेंगे और जल्दी आपका कोई भी पौधा ख़राब नहीं होगा। छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर। बाय बाय।